अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल 786 हेल्थ टिप्स में आपका खुश आमदीद। आज जो नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उससे आप अपने बालों को बहुत तेज़ी से लंबा, घना और काला बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं नुस्खे की तरफ। इस नुस्खे में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी मैं आपको नोट करवा देता हूँ। सबसे पहले हम इसमें देंगे एलोवेरा जेल। दूसरी चीज़ इसमें इस्तेमाल होगी ये ईवियन 400 की कैप्सूल, जो वाइटामिन ई की कैप्सूल भी कहलाते हैं। तीसरी चीज़ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ये अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल। सबसे पहले आप इसमें ले लें ये एक चमचा एलोवेरा जेल का। उसके बाद हमने लेना है इसमें इसी तरह एक चमचा कैस्टर ऑयल का, ये एक चमचा आप कैस्टर ऑयल का ले लें। इसके बाद हमने इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल ले लेना है। इसको आप कैंची की मदद से खोल के इसमें इस तरह ये एक चमचा अब सारे सामान को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। ये आप देख रहे हैं ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। इस बेस के इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपने बालों को शैम्पू से अच्छी तरह धो लीजिए ताकि आपके बालों में जो गंदगी और मैल लगी है वो हट जाए। उसके बाद इस बेस को आप अपने बालों की स्कैल्प में अप्लाई करें, यानी कि जड़ों से लेकर और सिरों तक अच्छी तरह अप्लाई करें। यह आपको पेस्ट एक दिन का एक दफा ही पेस्ट बनाना है। इसको ज़्यादा दिनों के लिए ना बनाएं क्योंकि एलोवेरा ख़राब हो जाता है। उसके बाद तकरीबन इसको एक घंटे तक अपनी बालों में एक से डेढ़ घंटे तक लगा रहने दें। और ज़्यादा बेहतर यह है कि इसको आप पूरी रात लगा के सो जाएं और सुबह उठ के अपने बालों को अच्छी तरह वॉश कर लें। इस नुस्खे के इंशाल्लाह 7 दिन के इस्तेमाल से आपको अपने बालों की ग्रोथ में वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। आपके बाल जड़ से काले होने शुरू हो जाएंगे, थिक होना शुरू हो जाएंगे और उनकी ग्रोथ डबल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये नुस्खा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल 786 हेल्थ टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।